नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना के 3,87,000 से ज्यादा एक्टिव केस, सबसे ज्यादा केस केरल में। देश में कोरोना के 38,667 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटे में लगभग 400 लोगों की हुई मौत। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली दूसरे क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। वाटर प्लस सिटी वर्ग में एनएमसी को नहीं मिला प्रवेश, करोड़ों खर्च करने पर भी मनपा बेहाल। गोरेवाड़ा प्राणी उद्यान में सफारी के लिए नया आदेश जारी, मंगलवार से रविवार तक होगी सफारी। गांधी सागर तालाब का होगा कायाकल्प, महापौर के समक्ष प्रस्तावित सौंदर्यकरण का प्रस्तुतकरण। 16% मीटर फॉल्टी, महावितरण की जांच में हुआ खुलासा, बदलना शुरू। आरपीएफ ने की कार्रवाई, 4 मिनट में चोरों को धर दबोचा, 2 मोबाइल किए बरामद। मेडिकल चौक पर दस्ते का कहर, मनीष नगर में भी कार्रवाई, 43 अतिक्रमणों का सफाया। गोलीकांड के 2 और आरोपी धराए, वारदात में इस्तेमाल पिस्तल और वाहन भी जब्त। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।